ओम शांति। लाल तो छोटा कभी होता नहीं है, लालगंज तो बहुत बड़ा है ना। और ऐसी महान आत्माएं मैं देखकर मुझे लगता है कि मेरा आना भी शायद ईश्वर को इसीलिए, मैं भी आ रहा था तो रिजर्वेशन थी नहीं, और काफ़ी ऐसी स्थिति में आना हुआ, तो मैं गाड़ी में भी सोच, देखे जा रहे हो तो जरूर कुछ तो विशेष सेवा है। भाई साहब की रिजर्वेशन थी और कुछ गलत फहमी की वजह से मेरी रिजर्वेशन ही नहीं बनी, बस मैं ऐसे ही बैठ गया। लेकिन आप सब की सेवा के लिए, आप सबके दर्शन के लिए ही मुझे आना था, तो बड़े प्यार से भी ड्रामा अनुसार मैं यहाँ पहुँचा। तो हमारे भाई साहब, मैं परम आदरणीय हमारे राजयोगी रामनाथ भाई जी, जिनका व्यक्तित्व एक जैसे फलदार वृक्ष की तरह है ना, जैसे संपन्न गुणों से जो होता है वो झुका रहता है, बहुत सरल होता है और सहज होता है। हम कभी कभी व्यग्र हो जाते हैं, लेकिन भाई साहब बड़े जैसे कहते हैं ना कि दो समान कांच की चीज़ें लाई गई किसी राजा के पास, और उसमें एक हीरा था और एक कांच था, तो सबने परखा, बोले कौन बता सकता है कि इसमें हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। तो सबने सभी प्रकार के प्रयास किए, आखिर में एक उनमें से एक बहुत बुद्धिमान चतुर एक वृद्ध था, वो दोनों को उठा के धूप में ले गया। तो क्या हुआ, धूप में जो कांच का बना था वो गर्म हो गया और जो हीरा था वो शीतल ही रहा। तो सच्चे हीरे की पहचान क्या होती है ना, धीरज, शांत, है ना। तो मैं भाई साहब का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आप सबकी सेवा में यहाँ आने का मुझे आपने चांस दिया, और अलका बहन जी का भी थैंक्स कहता हूँ। और मैं वक्ता यहाँ के तो इतनी हिंदी पे पकड़ में देख रहा हूँ, चाहे अखिलेश भाई का मैं मन संचलन देख रहा हूँ, यूपी में मैं हिंदी और वक्ता सभी हैं। और हमारे अजनेश भाई ने तो बहुत बुद्धिमानी से बिल्कुल शून्य से अपने आप को, मैं उनकी सत्यता और उनकी सच्ची सच्चाई देख रहा था जीवन की, तो वो बड़ी चतुराई से, शून्य की कीमत तो बहुत होती है ना, शून्य की अपनी कीमत ना भी हो लेकिन वो जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत को बढ़ा देता है ना। एक के साथ शून्य जुड़ेगा तो है ना, तो शून्य की अपनी, वो कह रहे थे मेरा ज्ञान शून्य है, तो ये तो उनकी नम्रता है। उन्होंने कितने अच्छे ढंग से सारी बातें कही। हमारे गुप्ता जी जैसे शिव बाबा गुप्त हैं, वैसे वो भी गुप्त हैं। हाँ, जल्दी ये प्रत्यक्ष होंगे आबू में, भाई साहब का निमंत्रण है तो अभी हाँ बुलवाएं क्या स्टेज पे। अखिलेश भाई, अलका जी, अलका बहन जी हमारी, ठीक है, आप सब आबू, आबू अब्बा का वतन है, हम सब बच्चों का है ना, हम सब पिता का वो घर है, तो आप सबको आबू में भाई साहब की तरफ से निमंत्रण है, तो अगली डेट जल्दी है ना फिक्स। तो आप सभी आप सबको निमंत्रण है, जितने हमारे अतिथि, आप सबका अधिकार है, आप सबका घर है, आप सबको गुप्ता जी लेके आए। तो सबको निमंत्रण है भाई। इन्होंने कहा पहले ही, चेयरमैन जी ने पहले ही सहमति दे दिया है, सभी को माउंट आबू ले चलेंगे, आप सब लोग हर्षित हो जाइए, इस बात के लिए ताली बजा लीजिए। और सभी ने, 13 वर्ष की बात चल रही है तो सब कुछ 13 किया हुआ है, तो मुझे हमारे संस्था के जो संस्थापक हैं, जिन शिव बाबा निराकार, जिनके द्वारा जिन्हें कर्तव्यवाचक नाम दिया ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपना सब कुछ संपूर्ण 1936 में है ना, हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, बाबा ने उन्हें दिव्य साक्षात्कार कराया, उससे प्रेरित होकर ब्रह्मा बाबा ने उस समय अपनी संपूर्ण संपत्ति हमारी माताओं बहनों के नाम करके कैसे इस संस्था को एक बीज बोया, और आज एक वट वृक्ष की तरह पूरे विश्व में ये फैला है। मैं भोली भोली अपनी माताओं को देख रहा था तो मुझे यही संकल्प आ रहा था कि क्या भगवान को बांधा जा सकता है कि नहीं, बांध सकते हैं भगवान को, लोग तो कहते हैं भगवान के दर्शन मिल जाएं, हैं, और आप सभी भगवान को बुला सकते हैं, बांध सकते हैं, बांध सकते हैं, हाँ, भगवान को बांधा जा सकता है ना, कैसे बांधा जा सकता, प्रेम से, और सबसे बड़ी बात उसका बच्चा बन के। देखो, एक बच्चा ही अपने पिता को, चाहे वो कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट वाला हो, बच्चा अपने पिता को बांध सकता है कि नहीं, अपने प्यार से, अपनी जिद से, हाँ, अपने स्नेह की मनुहार से, है ना। तो बच्चा बनना, और आप सब लालगंज वालों के साथ क्या जुड़ा हुआ है,
लाल है, तो ये लाल बड़ा मुझे प्रेरित कर रहा है, लालगंज के लाल, आप सब लालगंज हर तरह से समृद्ध हो, निर्विघ्न हो, सदा सफलता हर सबको मिले। और एक बहुत सुंदर एक मुझे कहानी याद आ रही, तो मैं ज़रूर आप सबको लाल के ऊपर, देखिए एक राजा बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने एक दिन कहा कि सुबह से रात तक राजमहल के द्वार, सारे खजानों के द्वार खोल दिए जाएंगे, प्रजा को ये अधिकार है कि राजमहल के अंदर जिस हिस्से में जाना चाहे, राजमहल के जिस हिस्से में जाना चाहे, चीज को भी वो हाथ लगाए वो उसकी हो जाएगी, जितना ले जाएं सुबह से रात तक खुला खजाना के लिए। दूसरे दिन राजमहल के द्वार, खजानों के द्वार खोल दिए गए, प्रजा दौड़ी, सब ने कोई हीरो को, कोई सोना, कोई कुछ, जिसको जो चीज़ मिले हाथ लगा के उठाते जाते। एक बहुत प्यारी सी नन्ही बच्ची चलते 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 सब चीज़ों को देखते 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 राजा के पास पहुंची और उसने राजा को टच कर लिया। तो बुद्धिमान कौन थी जिसके साथ राजा, तो सारा राज्य किसका है ना, दूसरों ने तो चलो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाई। तो भगवान को पहचान कर भगवान को अपना बना लेना है ना, ये बुद्धिमान आत्मा की बात है। तो आप सभी उस परमात्मा की सच्ची पहचान, अपनी सच्ची पहचान आप प्राप्त करें, हम सबकी यही शुभकामना है, क्योंकि ये समय भी बहुत अनमोल है ना। ये समय में यदि हमने इस चांस को, इस अवसर को खोया, तो हम कल्प कल्प जन्मों जन्मों इस अवसर को हम खोएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत विशेष शुभकामना कि भगवान को अपना बना लें, तो सब कुछ उससे मांगने की जरूरत नहीं है, उसको ही अपना बना लो, उसको ही ले लो, है ना, ठीक है ना। तो हमारी प्यारी प्यारी माताओं को तो बहुत गहरे अनुभव हैं। हमारी एक जयंती बहन जो यूरोप की डायरेक्टर हैं, लंदन में रहते हैं, तो अभी उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई कि एक प्रदर्शनी लगी थी किसी सेंटर के द्वारा, तो वहाँ एक बहुत बड़ा भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अधिकारी भी प्रदर्शनी देखने आया, तो ऐसी भोली भोली माता उनको प्रदर्शनी समझाने लगी। समझाते समझाते तो वो अधिकारी कहता है, समझने के बाद भी बोलता है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि भगवान कौन है। तो वो माता भोली भोली उनको सिर से ऊपर तक ऐसे नीचे देखती है, पैर से सिर तक, बोलती है, दिखने में तो आप पढ़े लिखे लगते हो, माना मैं अनपढ़ होकर भगवान को पहचान गई और आप पढ़े लिखे होकर भगवान को नहीं पहचान पा रहे। उस भोली माता की जो सच्चाई है, उसकी दिल से कही बात उनको लगी, वो वहाँ से अपने जब स्थान पे गए, सेंटर गए, कोर्स किया और वो आज रेगुलर स्टूडेंट हैं, है ना पे, है ना। मैं अजनेश भाई को भी देख रहा था ऐसे सच्चाई से, मैं इसमें शून्य हूँ, मैं इसमें शून्य हूँ, मैं इसमें शून्य हूँ। माना ये जो हमारी निर्माणता और निरहंकारिता है ना, जो हमारा नम्रता है, वो भगवान को टच करती है, ठीक है ना। तो आप सबके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, कल भी आप सबको आना है, लाभ लेना है। ओम शांति।